यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। देश की आवाज में एक बार फिर से हम एक अहम मुद्दा लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर एक पत्नी अपने पति को तलाक ना दे तो क्या पति किसी भी हद तक जा सकता है, क्या वो कुछ भी कर सकता है, और ये हक आखिर उसे किसने दिया है कि वो अपनी पत्नी के न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर डाल दे। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला पंचकुला से सामने आया है, जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया है। एक मुस्लिम शख्स की ओर से पहले एक हिंदू लड़की से शादी की जाती है और जब उसकी शादी उसके साथ हो जाती है तो वो उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। वहीं जब महिला की ओर से धर्म परिवर्तन करने से इंकार कर दिया जाता है तो वो अपनी पत्नी को मारता है, डांटता है, फटकारता है, और तब भी पत्नी नहीं माने तो उसकी अश्लील फोटो वायरल कर दी जाती है। कहां तक ये जायज है? तो तमाम सवालों के साथ और एक गंभीर मुद्दे के साथ हम फिर से हाजिर है कि आखिर क्या पत्नी के पति की तरफ से धर्म परिवर्तन करवाने की बात सही है, कहां तक ये जायज है, और अगर पत्नी उस बात को नहीं मानती है तो उसके अश्लील फोटोज को वायरल कर दिया जाता है, क्या बात ना मानने पर पति को कुछ भी करने का हक है, क्या हिंदू पत्नी को तलाक दे सकता है कोई भी मुस्लिम पति? तो तमाम सवाल आपके सामने हैं और आप जुड़ सकते हैं देश की आवाज में। एक अहम और गंभीर मुद्दा लेकर हम हाजिर हैं टीवी स्क्रीन पर, लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि जिस तरीके का यह मामला है लव जिहाद का, आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, कि क्योंकि ये जो पीड़ित महिला है वो इंसाफ की गुहार लगा रही है। पति की तरफ से, उसके परिवार वालों की तरफ से लगातार महिला को प्रताड़ित किया जाता है, दहेज की मांग की जाती है पति के दबाव के बदले। कहां तक केस दर्ज करवाना सही है, या फिर जिस तरीके से रिश्तों को तार तार किया जा रहा है, शर्मसार किया जा रहा है, कहां तक ये जायज है? तो महिला ने अब इंसाफ की गुहार लगाई है, इंसाफ वो चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से पहले उससे धर्म परिवर्तन करवाने की बात कही गई, उसे प्रताड़ित किया गया, लेकिन पत्नी ने सभी चीजों को सहते हुए धर्म परिवर्तन करवाने से मना कर दिया, और जब उसने मना कर दिया तो उसके बाद उसी का पति उसके फोटोज को लगातार जो है सोशल मीडिया पर अपलोड करता है, जिसके बाद अश्लील फोटोज वायरल कर दी जाती है। तो कहां तक ये जायज है? आप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि जनता की राय हम यहां पर जानना चाहेंगे कि आखिर जनता इस मुद्दे को कितने गंभीरता से ले रही है, क्योंकि काफी अहम ये मुद्दा है और तमाम सवाल भी आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि जो पति है वो लगातार अपनी पत्नी से इस बात की मांग कर रहा था कि वो धर्म परिवर्तन करे, लेकिन पत्नी ने इस बात से इनकार कर दिया। शादी 2010 में हुई थी, 9 जुलाई को, दानिश अंसारी के साथ, जो मुझे बैठों से मारते थे, दहेज के लिए तंग करते थे और मुझे कहते थे हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम रीति रिवाज निभा, मुस्लिम रीति रिवाज उसमें आ, तब हम तुझे अपने साथ रखेंगे वरना हम तुझे नहीं रखेंगे। और मुझे दहेज के लिए तंग करते थे इसके माँ बाप और ये, और मुझे कहते थे मुस्लिम धर्म अपना। तो उसके बाद मैंने मुकदमा दर्ज कराया 498 का, तो उस 498 का मुकदमा दर्ज कराया मेरा थाने में 2016 को। तो उसके बाद इसने मेरी फोटो में फेसबुक पे डाल दी बिना कपड़ों के, अपने दोस्त के साथ मिलकर, जो कि एक आरोपी पकड़ा गया था दानिश अंसारी, दूसरा नहीं पकड़ा गया, और उसे कल बेल पे छोड़ दिया गया। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाए। 2016 का केस है, जो कि एक कालका पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था। तो ये क्योंकि आईटी का केस था, क्योंकि जो लड़का है, जो लड़की का हस्बैंड था, उसने कोई उसकी न्यूड वीडियो वायरल की थी, क्योंकि मैटर आईटी केस से रिलेटेड था, जिसकी काफी तफ्तीश के बाद, गहन तहसील तफ्तीश के बाद एक्यूज को हम पकड़ पाए हैं, जो कि ये उसके हस्बैंड का ही किया हुआ काम था, जो कि उसके हस्बैंड ने अपनी बीवी की जो न्यूड फोटो थी वो अपने दोस्त को थ्रू मैसेंजर भेजी थी। लड़के को अरेस्ट किया था और उसको पेश भी कर दिया गया है और वह अब वो जमानत पर है। लेकर हम हाजिर हैं कि आखिर क्या पत्नी के लिए पति का धर्म अपनाना जरूरी है, और अगर वो नहीं अपनाती है तो क्या उसके न्यूड फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। देश की आवाज में तमाम सवाल लेकर हम हाजिर हैं, जिन पर आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहा है, क्योंकि अब पीड़ित महिला लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसने शादी की अपनी मनमर्जी से, उसके बाद समाज भी उसके खिलाफ हो सकता है, परिवार वाले भी उसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन पति ही जब इस
हद को पार करने लगे, तो सोचिए जरा कि महिला पर क्या कुछ बीतेगी। क्योंकि जब उसने धर्म परिवर्तन करवाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो उसके बाद जो युवक है, जो पति है, उसने अपनी पत्नी की अश्लील फोटोज को फेसबुक पर वायरल कर दिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और अपने दोस्तों तक उन फोटोज को पहुंचाया गया और फिर दोस्तों के जरिए ही वो फोटोज जो है महिला के पास पहुंचती हैं। और जब महिला पूछती है कि ये सब क्या है, तो पति इन सबसे इनकार करता है और उसे ही डांटता है, उसे ही फटकार लगाता है। लेकिन इसके बाद भी आप सोचिए जरा कि सवाल यहां पर ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये जो किया गया है, धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया, उसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं अश्लील फोटोज, कहां तक जायज है। तो इस गंभीर मुद्दे पर आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि अब पीड़िता लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। अब उसे उम्मीद है कि शायद जो उसके साथ नाइंसाफी हुई है, अब पुलिस प्रशासन उसकी मदद करेगा। गुहार उसकी तरफ से लगाई जा रही है कि उसे मदद मिलेगी, उसे इंसाफ मिलेगा। तो इसी अहम मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ एडवोकेट हिमांशु राज हैं और साथ ही साथ पीड़िता खुद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो काफी गंभीर मुद्दा है ये। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, पीड़िता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, कि जिस तरीके से आपसे धर्म परिवर्तन करने की मांग लगातार की गई और जब आपने मना कर दिया, उसके बाद अश्लील फोटोज को वायरल कर दिया जाता है, शुरुआत कहां से हुई, कब आपको आशंका होने लगी कि अब जो है वैवाहिक जीवन में अड़चने पैदा होनी शुरू हो गई है और अब सब सही नहीं चल रहा? जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके का ये पूरा गंभीर मामला है और अभी तक आप गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की, तो क्या कुछ आप चाहती हैं, क्या इंसाफ की उम्मीद आपकी तरफ से लगाई जा रही है? जी मैं यही चाहती कि मुझे इंसाफ मिले। जब मैं अपने पति को बोलती थी मुझे अपने घर ले जाए, अपने साथ रख ले, तो वो बोलते थे कि पहले तो हमारे मतलब हिंदू धर्म छोड़ के हमारे मुस्लिम धर्म में आ जी, तो हम तुझे रखेंगे अपने साथ। और मुझे दहेज के लिए तंग करते थे, मारते पीटते थे, बेल्टों से मारते थे। एक बार मुझे नाहन में अपने मेरे ससुराल नाहन में लेके गए अपने घर, तो इन्होंने मुझे रात को मारा पीटा, घर से बाहर निकाल दिया। तो जब उसके बाद मैंने यहाँ मेला थाने में कंप्लेंट दर्ज की 2016 में, तो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें 498 का। तो उसके बाद इन्होंने मेरी फोटोएं फेसबुक पे बिना कपड़ों के डाल दी अपने दोस्त के साथ मिलके, समीर अहमद ने। तो जब शुरुआत हुई, आपने जब शादी की, आप हिंदू हैं, एक मुस्लिम युवक से आपने शादी की, आपकी मर्जी से ये शादी हुई दोनों की? हाँ जी। उसके बाद शुरुआत कहाँ से हुई, कब आपको लगने लगा कि वैवाहिक जीवन हमारा सही नहीं चल रहा और अड़चने पैदा होने लगी धीरे धीरे और वो जो सुख था वो जीवन में धीरे धीरे खत्म होने लगा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, तो जब इन्होंने अपने घर पे नहीं बताया कि मैंने शादी कर ली है, तो मुझे बोलते रहे कि मैं अपने परिवार वालों को लेके आऊंगा शादी वाले दिन। सिर्फ ये चार दोस्तों को अपने लेके आए। मेरी शादी 9 जुलाई को हुई थी मैम, तो 2010 में। उसके बाद ये जब मेरी शादी हुई, दूसरे दिन ही ये मुझे मार पिटाई करने लग गए कि मैं इसको तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा, पर मैंने माना नहीं इस चीजों को। उसके बाद ये कहते थे कि इसके, जब मेरी बेटी हुई मैम 2012 में जी, तो इसके परिवार वाले आए दानिश अंसारी के, मम्मी पापा ननंद आई हुई नंदोइया है, तो ये कहते कि तू 10 लाख रुपया दे या हमारा ये धर्म अपना, हिंदू धर्म छो। मैम जो इनमें वो कुरान पाक होती है वो पढ़, इसकी मम्मी का कहना है कि वो पढ़, अगर तो ये पूरा पढ़ लेगी। मतलब शुरुआत से ही इस तरीके की जो चीजें हैं होने लगी थी, दूसरे दिन से ही जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपको परेशान करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि शादी की शुरुआत भी हम आपसे सुन रहे हैं तो झूठ से ही हुई कहीं ना कहीं। हाँ जी मैम। तो दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस मुद्दे पर, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार फोन नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि आपकी राय जानना भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एडवोकेट हिमांशु राज भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे अहम और पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे, काफी गंभीर और अहम मुद्दा है ये, तो कानून कितना ज्यादा सतर्क है इस तरीके के मामले को लेकर, कितना ज्यादा गंभीरता से इस मामले को लेगा? देखिए कानून के अंदर प्रावधान है, अगर बात आती है डॉरी हरासमेंट से रिलेटेड, तो सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड 1860 है, जिनके अंदर इन्होंने ऑलरेडी एक FIR रजिस्टर करा रखी है जी। उसके बाद बात आती है कि इनकी जो वायरल की हुई वीडियोज़ या फोटोग्राफ्स हैं
उसके अंदर वो पनिशेबल ऑफेंस है एज फार एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज कंसर्न, सेक्शन 67, सेक्शन 67A. अगर इनके पति ने एक बार वो वीडियो वायरल किया या एक बार फोटोग्राफ वायरल करी है तो उनका वो पहली बार का एक्ट 3 साल की मिनिमम सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर कोर्ट डाल सकती है जी। अगर वो दोबारा से वही चीज करते हैं तो वो बढ़ के 5 साल तक हो सकती है, 5 साल प्लस जुर्माना 10 लाख रुपया। सेक्शन 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेक्शन 67A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसके अलावा अपना क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंदर, इंडियन पीनल कोड 1860 के अंदर भी एक अमेंडमेंट आई है जिसके अंदर सेक्शन 354C को इनकॉर्पोरेट किया गया है जिसे वॉयरिज्म कहते हैं जी। अगर इस तरह का कुछ भी कोई भी आदमी, चाहे वो अपनी पत्नी के साथ कर रहा है, चाहे वो किसी भी आदमी किसी भी औरत के साथ कर रहा है, किसी भी लड़की के साथ कर रहा है, तो वो पनिशेबल है, ऑफेंस है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो आपका कहना है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मुद्दे को देखते हुए, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए की जाएगी। तो तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। पहले कॉलर महेंद्रगढ़ से सतेंद्र यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए ये जो आप मामला दिखा रहे हैं इसका पूरा सबूत ना तो आपके पास है क्योंकि मामला अभी तो पुलिस के पास ही आया है। कोर्ट में जाएगा, इस पे क्या फैसला होगा, किसने क्या जुर्म किया है, उसको क्या सजा मिलेगी, तो कोर्ट बताएगा। लेकिन जो आप सजा देने का ही एक तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि आपने इस महिला का फोटो तो छुपा दिया, इसकी आइडेंटिटी आपने छुपा रखी है, बहुत अच्छी बात है इनकी आइडेंटिटी छुपाना। लेकिन जिस इसके जो पति का फोटो दिखा रहे हैं साथ में, आपको नहीं लगता कि उसका चेहरा भी छुपाना चाहिए था? क्योंकि अभी तो पता ही नहीं दोषी कौन है, क्या क्या जुर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। वो शायद आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं सतेंद्र जी। पूरा मामला हम आपके सामने रखे हुए हैं, इसे मामले को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं और पूरी बात भी सभी दर्शकों को सुनवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन पूरा मामला भी हम आपको समझा रहे हैं। खुद पीड़िता हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में और वो अपनी जुबानी बता रही है कि आखिर उसके साथ क्या कुछ बीता है और अब वो इंसाफ की गुहार पर लगा रही है। इसी के साथ राजेंद्र चौहान अगले कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, कहिए। जी सबसे पहले अपील है आपसे कि जितने भी दर्शक इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं या फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए और आपको हम सुन पाए। और मामला जिस तरीके से सामने आया है और अश्लील फोटोज को वायरल कर दिया गया है, पीड़िता हमारे साथ मौजूद है, एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, तो पूरे मामले को हम समझ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने जिस तरीके से बताया कि शुरुआती दौर से ही यह सब चीजें होने लगी थी, झूठ से ही शुरुआत हुई, शादी में कहा गया कि सभी लोग आएंगे लेकिन वो नहीं आए, तो जो आपके परिवार वाले थे, क्योंकि मुझे लगता है जब महिलाएं या फिर लड़कियां इस तरीके का कोई कदम उठाती हैं तो उनके लिए चीजें काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाती हैं, तो उस दौर में कितना ज्यादा मुश्किल आपके लिए कदम उठाना रहा? बहुत मुश्किल रहा कि उसके परिवार वाले नहीं आए। तो क्या आपके परिवार वालों का साथ था आपको, उनका समर्थन आपको मिला? हाँ जी, ये कह रहे थे ना कि हम शादी वाले दिन जब बारात आएगी तो मैं अपने माँ बाप को सबको लेके आऊंगा, अपनी फैमिली को, पर ये किसी को भी नहीं लेके आए, सिर्फ 4 दोस्तों को अपने लेके आए। और प्रूफ मेरे पास सारे है, जो अमेरिका से रिपोर्टें आनी थी वो मेरे पति के खिलाफ ही आई है सारी। उसी ने ही मेरी फोटो अपने दोस्त को दिया, उसके दोस्त ने मुझे 2016 में 12वें महीने 3 तारीख को मुझे फोटो दी थी। उसके बाद एक महीने बाद जनवरी में 2017 को फिर उसने मुझे वही फोटो मेरी दोबारा दी। चलिए इसी के साथ अगले कॉलर रोहतक से जसविंदर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जसविंदर कहिए। हेलो जी मैडम, जी नमस्कार मैडम। मैं ये कुछ चाहता हूँ, जैसे ये इन्होंने गुहार लगा रखी है, कह रहे हैं जैसे ये, तो सर मैडम ये मतलब कि कैसे कह रहे हैं कि शादी कैसे करा उसके साथ? जी जी चलो संबंध बनाए हैं, शादी करी जैसे करें, तो इनको ये बात पता होना चाहिए। देखो वो अपने घर पे उनको लेके आएंगे ना, जैसे वो लड़की लड़के ने दूसरा मान है जी। जसविंदर सबसे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आपके टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए, हम आपको समझ पाए कि क्या कुछ आप कहना चाह रहे हैं।
चलिए आप दोबारा जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जितने भी दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जुड़ सकते हैं, लेकिन अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच पाए, समझ पाए हम कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि फोटोज को वायरल कर दिया गया, आप तक वो फोटोज पहुंचे हैं, तो क्या आपके पति ने माना कि वो फोटोज उन्हीं के जरिए वायरल किए गए, उन्होंने ही उन फोटोज को अलग अलग जगह पर पहुंचाया, अपने दोस्तों तक पहुंचाया, सोशल मीडिया पर वायरल किया? हाँ जी, सारे प्रूफ मैम उसके खिलाफ ही है, जो रिपोर्टें आनी थी मैम सारे खिलाफ ही है मेरे पति के। जियो की सिम से इन्होंने मेरी फेक आईडी बनाई गई है मैम, मुझे पता नहीं है, जो मेरी फेक आईडी बनाई गई है उससे ही वो फोटो सारी सबको इन्होंने दी है। हिमांशु जी, जिस तरीके से फोटोज को वायरल कर दिया गया, सबसे पहले तो धर्म परिवर्तन करने की मांग की जा रही है, उसके बाद महिला को प्रताड़ित किया जाता है, मार पिटाई की जाती है, दहेज की मांग की जाती है, उसके बाद सबसे बड़ा अपराध जिसे हम कहेंगे कि अश्लील फोटोज को वायरल कर दिया जाता है, तो काफी सारे अपराध यहाँ पर सामने आ रहे हैं, किस तरीके से इस मामले को पुलिस प्रशासन देखता है? देखिए, प्रशासन को संगीनता से लेना चाहिए, बिकॉज ये जो केस है ये अपने आप में एक सबूत है, क्योंकि हस्बैंड ने वाइफ के साथ मेल उसकी प्रेजेंस में फोटोग्राफ्स ली हैं, वीडियोग्राफ्स वगैरह ली हैं, उसके मोबाइल से ली गई हैं, तो वो फोटोग्राफ्स तो यकीनन हस्बैंड के पास ही थी जी। अगर वो बाहर आ रही हैं तो डायरेक्ट इंडिकेशन यही है कि हस्बैंड ने ही ये सब चीज़ें करी हैं, और पुलिस को चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन थॉरो करके इमिजिएटली चलान फाइल करें, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर कानून जल्दी काम करेगा, जल्दी चलान फाइल करेगा, जल्दी चार्जशीट फाइल होगी, और चार्जशीट फाइल होने के बाद जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, जैसा कि दर्शकों ने पूछा भी है, मांग भी करी है, उस हिसाब से कहने लायक बात इतनी सी है कि ये बहुत संगीन जुर्म है, बिल्कुल दंडनीय अपराध है, और अच्छी खासी सजा का प्रावधान है इंडियन पीनल कोड 1860 में, टू बी रेड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। और अभी तो इनकी उम्र 18 साल से यकीनन ऊपर है, अगर ये अपराध कोई आदमी किसी भी लड़की के साथ 18 साल की लड़की से नीचे से भी करता है तो इसके अंदर और संगीनता बन जाती है। जी धन्यवाद। चलिए इसी के साथ अंबाला से सोनिया अगली कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सोनिया कहिए। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपका ये जो हम शो देख रहे हैं जी, इस शो का मोटिव तो यही है कि अवेयरनेस करना। बिल्कुल। तो अवेयरनेस के साथ साथ मैडम इसका रिजल्ट क्या होगा? आपका शो होगा ये मेरे ख्याल से एक घंटे में खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या इसका रिजल्ट क्या होगा? जी सोनिया, जिस तरीके से आपका सवाल जो है आपकी ओर से, जनता की ओर से, या जितने भी तमाम दर्शक देख रहे हैं सबकी तरफ से जायज है, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ इस मुद्दे की गंभीरता को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो और लोग हैं, जो आम दर्शक है या फिर जो आम जनता है, कितने अलर्ट है इस तरीके के जो संगीन अपराध किए जा रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए, उनको अलर्ट करने के लिए, आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए ही इस मुद्दे को गंभीरता से और प्रमुखता से उठाया गया है। जी मैम, वो आपकी बात ना बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा कदम है आपके चैनल की ओर से। सोनिया क्या कहेंगी, अपनी राय दीजिए। जी मेरी राय यही है कि इस तरह के जो भी अपराध करते हैं तुरंत उन पे एक्शन लेना चाहिए जी, और लड़कियों को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, और ये जो लोग हैं इनको 3 या 5 साल की सजा नहीं, इनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। जिस तरह से लड़की जो है वो समाज में जीती है, वही घुटन इन लड़कों को भी महसूस होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जुड़ने के लिए। तो अपराध जो है काफी ज्यादा गंभीर है और सजा भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जब इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत से ही आपको पता लगने लगा कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, और जब आपको अश्लील फोटोज जो है वायरल किए गए और आपको वो फोटोज मिले, चाहे वो दोस्तों के जरिए मिले या किसी भी जरिए मिले, जब आपने उन फोटोज को देखा, कार्रवाई करवाने की आपने सोची, पुलिस प्रशासन तक आप पहुंची, तो क्या कुछ पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई उस वक्त? मैम मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी दी, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि ये कैसे हुआ, तो मैंने कहा कि उनके दोस्त ने मुझे ये फोटो ही दी है, और नीचे उसका दोस्त लिख रहा है कि आप ही की फोटो है, आपको शर्म आ रही है, ये सब मेरे साथ चैट कर रहा था मैम, लिख रहा था मुझे, यानी कि मैंने कुछ भी नहीं उसे लिखा। तो वो सभी प्रूफ आपके पास है? हाँ जी मैम, वो सभी प्रूफ है मेरे पास जी। तो उसके 3 दिन बाद मैम उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, FIR दर्ज होगी मैम। तो उसके बाद मैम 2-2.5 साल बाद अब निकली है सारी रिपोर्टें मैम, तो फिर भी एक अपराधी को गिरफ्तार किया, एक को नहीं किया गया, तो उसको कहते हैं कि उसका कोई कसूर नहीं है। अगर आपके नजरिए से देखा जाए तो कसूरवार दोनों हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से एक को लेकर कार्रवाई की जाती है, एक को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन दूसरे का कसूर वो नहीं ठहराते हैं। हाँ जी मैम जी। इसी के साथ अगले कॉलर हिसार से रोहित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कहिए रोहित जी। नमस्ते जी। नमस्कार।
मैडम जी देखिए, ऐसे मामले जो है कई बार जरूर सामने आते हैं, लेकिन इस मामले में खाली पुरुष को दोषी ठहराना कहीं तक सही नहीं है। कि ऐसे आमतौर पर देखा जाता है जब इस प्रकार की अश्लील कोई फोटोज होती है, वो आपसी जब हस्बैंड वाइफ में आपसी और बातचीत रहती है, आपसी प्यार संबंध होता है, तो उसमें जो है पत्नी भी आराम से इसको खिंचवा लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अकेले पति को इस प्रकार से दोष भी देना चाहिए। जिस प्रकार 498 का मामला जो है थाने से दर्ज करवा लेती है कोई भी महिला या किसी के ऊपर भी दहेज का आरोप लगा देती है, पुलिस की तरफ से भी 498 का मामला दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन रोहित आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो मामला है, मामले की गंभीरता है या जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हिमांशु जी, जिस तरीके से दर्शक भी जुड़ रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, दर्शकों की अलग अलग राय है, अलग अलग लोग अपनी राय को हम तक पहुंचा रहे हैं, तो सभी की राय का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी पीड़िता का खुद कहना रहा कि जो उनके पति हैं आरोपी, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, अश्लील फोटोज को वायरल किया, अपने दोस्तों तक पहुंचाया, दोस्तों के जरिए उन तक फोटोज पहुंचती हैं, तो पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है, 2-2.5 साल का समय लग जाता है, उसके बाद पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उनका कहना है कि दूसरा व्यक्ति आरोपी नहीं है, उसे छोड़ दिया जाता है, तो कितना गंभीर आपको लगा कि मामले को लिया गया? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर बहुत सी खामियां रही हैं पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। उनको बड़ी संगीनता से, बड़ी सहजता से इन सब चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन को थॉरली इनकॉर्पोरेट करते हुए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, जो कि शायद उन्होंने नहीं किया है। और इस इवेंचुअलिटी में पीड़िता के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। नंबर वन, वो स्पीडी जस्टिस के लिए हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकती हैं, इन सभी एविडेंसेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए। सेक्शन 482 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंडर प्रावधान है, इनहेरेंट पावर्स हैं हमारी हाईकोर्ट के पास, जो रिस्ट्रिक्शन है उनके पास किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी डायरेक्शन मूव करने की, ऑर्डर्स देने की। तो पहला प्रावधान इनके फेवर में जो जाता है वो ये जाता है। दूसरा, इसके अलावा अगर पुलिस, SHO या कोई भी पुलिस ऑफिसर, निचला पुलिस ऑफिसर इन चीज़ों को नहीं कर रहा है, तो ये 101% DSP से या SP से या उस एरिया के IG से या कमिश्नर ऑफ पुलिस से जाके मिल सकती हैं, अपनी गुहार लगा सकती हैं। फिर CM विंडो सेल बना हुआ है, CM विंडो सेल में भी अपनी एप्लीकेशन दे सकती हैं। थोड़ा इनको दिक्कत आएंगे, बिकॉज जो आदमी पहले ही दुखी होता है वो इन सभी प्रोसीजर से थोड़ा सा दुखी हो जाता है, बट जैसा कि दर्शक लोग चाह रहे हैं और सभी लोगों की, लेकिन उसके बाद भी हिमांशु जी जो महिला है वो डटी हुई है, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, और उम्मीद भी है कि शायद कहीं ना कहीं इंसाफ उन्हें मिल पाएगा। इसी के साथ अगले कॉलर सऊदी अरब से मोहम्मद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा बस इतना ही कहना है कि ये पक्ष का बात तुम फिर किसी को गलती ठहरा देना, ये कहां तक का सही है? जी, जब तक दूसरे जो थे, जो आदमी जो है, उनसे जब तक बात ना हो, वो जब तक सामने ना आए, तब तक इनका क्या भरोसा है, क्या सही कह रही है, क्या गलत कह रही है? और दूसरी बात हमारी, और एक बात, आजकल के हमारे जो समाज में है, अगर एक औरत अगर किसी वक्त को बीच बाजार में एक थप्पड़ मारती है तो भी आदमी देखने वाला यही कहता है जरूरी मत, कुछ ना कुछ औरत को छेड़ा होगा या कुछ ना कुछ गलत। चलिए मोहम्मद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि अब फिलहाल आप क्या चाहती हैं, इंसाफ की गुहार आप लगा रही हैं, क्या कुछ आपका कहना है? मैं इंसाफ चाहती हूं कि दोनों को सजा मिली जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो पूरा मामला आपने समझा, मामले की गंभीरता को आपने समझा, तो पीड़ित महिला का फिलहाल कहना है कि इंसाफ वो चाहती हैं और उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ उन्हें मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से पति ने अश्लील फोटोज को वायरल कर दिया है, बेहद ही घिनौना अपराध है और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और पीड़ित महिला का भी यही कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। चलिए फिलहाल आज देश की आवाज में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।